हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ ये डिश खट्टा भाजी से। खट्टा भाजी, इसे सारल्ली भी कहते हैं, इसे गोंगूरा भी कहते हैं, साउथ में इसे गोंगूरा कहते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इसका पुलिहोरा, गोंगूरा पुलिहोरा। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। ये है पके चावल, छोटे बॉल से 2 बॉल, बड़े बॉल से 1 बॉल है। ये खट्टा भाजी 200 ग्राम है। ये सरसों, जीरा, चना दाल, उड़द दाल, ये सारी चीज़ें तड़का लगाने के लिए हैं। हरी मिर्च है, सूखी लाल मिर्च है, लहसुन, मूंगफली और काजू गार्निशिंग के लिए। करिया पत्ती है, हींग है, नमक स्वाद अनुसार है और तेल उसको फ्राई करने के लिए, और उसके बाद हल्दी है और बारीक कटा प्याज है। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने गैस ऑन किया है। गैस ऑन करके थोड़ा सा हम लोग इसमें तेल ऐड करेंगे। थोड़ा सा तेल ऐड करके सबसे पहले हम लोग इसको, पहले तो हम लोग खट्टा भाजी को अच्छे से वॉश करके उसको क्लीन कर लेंगे। देन आफ्टर खट्टा भाजी को हम लोग 1 स्पून ऑयल में थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। अभी ये ज़्यादा लग रहा है, बट जैसे ये थोड़ा सा गर्म होगा, पकेगा, तो ये कम हो जाएगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे से पका लेते हैं। उसको अच्छे से मिक्स करना है और ताकि ये गल जाए। इसको इतना पकाने के बाद आप चाहे तो इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट भी बना सकते हो, बट मैं इसको ऐसे ही यूज़ करती हूँ। अब ये इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ। नमक डालने से ये और अच्छे से गल जाएगा। आप देख सकते हो ये काफ़ी कम हो गया है और ऑलमोस्ट ये पक गया है। अब मैं इसको निकालूँगी एक बाउल में। इसे मैं बाउल में निकाल के साइड में कर दूँगी। साइड में करके इसको हम लोग बाद में जब हमारा तड़का बनेगा तब यूज़ करेंगे। अब मैंने दोबारा से कढ़ाई गैस के ऊपर रखा है और मैंने गैस ऑन किया है। अब मैंने इसमें ऑयल डाला है, ये अबाउट 3 स्पून है। फिर उसके बाद मैंने इसमें काजू डाला है और मैं इसमें अब ऐड करूँगी फल्ली दाना। ये मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। आप इसको तड़का बनाते समय भी यूज़ कर सकते हो, बट वैसा यूज़ करने से ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा। अगर हम लोग फ्राई करके ऊपर से डालेंगे तो ये क्रंची भी रहेगा और बहुत टेस्टी रहेगा। अब मैं इसको निकालूंगी एक बाउल में। बाउल में निकाल के मैं इसको साइड कर दूंगी। अब उसी ऑयल में मैंने डाला है पहले सरसों, फिर उड़द दाल, चना दाल, जीरा, ये सारी चीज़ें मैंने 1 बाय 1 ऐड किया है। अब मैंने इसमें ऐड किया है सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल के बाद मैंने ऐड किया है ग्रीन चिली। ग्रीन चिली ऐड करके अब मैंने इसमें ऐड किया है करिया पत्ती। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन। लहसुन को मैंने थोड़ा सा क्रश किया है। अब मैंने ऐड किया है हींग। ये सारी चीज़ों को हम लोग 1 बाय 1 ऐड करके अच्छे से मिक्स करते हैं। तड़के को हमको बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, मीन्स लहसुन जो है उसको एकदम ब्राउनिश होते तक नहीं पकाना है। अब मैंने इसमें ऐड किया है खट्टा भाजी का पेस्ट, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बना के रखा था। इसको डाल के मैं एकदम अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि सारा मसाला और भाजी एक साथ मिल सके। ये पूरी अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस समय हमारा गैस का फ्लेम स्लो ही रहेगा। अब उसमें मैंने ऐड किया है हल्दी। हल्दी डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आता है। अब मैंने हल्दी डालने के बाद इसमें नमक ऐड किया है। नमक हमको थोड़ा सा देख के ऐड करना है क्योंकि हमने भाजी में भी थोड़ा सा नमक ऐड किया था। वैसे खट्टा भाजी में नमक थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। अब हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स करके इसमें मैंने फाइनली ऐड किया है प्याज। प्याज को हमको डाल के बहुत पकाना नहीं है, प्याज कच्चा ही रहना चाहिए। चाहो तो आप राइस में ऊपर से भी डाल सकते हैं, बट ऐसा डालने से इसका जो मसाला है पूरा प्याज में लग के बहुत टेस्टी लगता है। प्याज डालने की तुरंत बाद हमको मिक्स करके राइस डालना है इसमें। राइस डाल के अब राइस को हम लोग अच्छे से ऊपर नीचे मिक्स करेंगे ताकि पूरा इसका जो पुलिहोरम का मसाला है वो अच्छे से कोट हो जाए उसमें। अब मैंने इसमें ऐड किया है मूँगफली और अपना काजू, और थोड़ा सा मैंने बचा के रखा है गार्निशिंग के लिए। अब हमारा गोंगूरा पुलिहोरा बनके रेडी है। देखने में जितना सुंदर है, खाने में भी उतना ही टेस्टी रहता है। ये स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद होता है क्योंकि ये खट्टा खट्टा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। तो आप भी ये टेस्टी गोंगूरा पुलिहोरा बना के ज़रूर ट्राई करें और बताएं आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।